है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। आइए महावीर जी अपने श्री पर भेंट करके आचार्य श्री से निवेदन करके के साथ अपनी भाव अभिव्यक्ति करेंगे। श्री महावीर जी अष्टगे सज लगा। पार्श्वनाथ भगवान की जय। चौबीसो भगवान की जय। जैन संत जैन समाज के कर्णधार होते हैं, उनके श्वास प्रश्न में दिव्य ब्रह्म स्वरूप का दिव्य स्वर गूंजता रहता है, उनके पावन आंखों से हर क्षण प्रेम का बूंद टपकता है, वही उनके मुख चंद्र से अमृत बरसता है। ऐसे महान आचार्य भगवान विद्यासागर जी को नमन करते हुए उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले, उन्हीं के दिव्य वाणी को प्राप्त किए हुए संत का सत्य वचन ही हमें मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कराता है। ऐसे निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज, निर्यापक मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज, निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, सभी को और सभी महाराजों को मेरा शत शत प्रणाम। और उसी के अनुसार जो भी चुल्लक जी महाराज है, यथा योगी इच्छा में इच्छा में इच्छा में, और ब्रह्मचारीगण और उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, आपसे पहले मैं ये कहता हूँ कि आप मेरे आने जाने में कोई त्रुटि हो तो आप लोग मुझे क्षमा करना, वे आपको क्षमा करता हूँ। अब देखो 55 साल के बाद की याद आ गई है और अब समय आ गया है। जब 55 साल के पहले एक अपने घर पे एक टेलीग्राम आया हुआ था अंग्रेज में, उसमें कहा गया था कि ब्रह्मचारी विद्यासागर जी विद्याधर जी गोइंग ऑन जिनेश्वरी दीक्षा एट 30 जून 1968। और जब उस खबर को मैंने अपने पिताजी से दिखाया और कहने लगे क्या है इसके अंदर, तो आचार्य मैंने बोला कि ब्रह्मचारी जी विद्याधर जी का दीक्षा हो रहा है, तो उधर मां रो रही है, बहने रो रही हैं, दोनों भाई छोटे दोनों भाई मुख दर्शक बनकर कोने में खड़े थे, और उसमें पिताजी को बहुत जिद्दी थे और क्रोधी थे, तो उन्होंने उस टेलीग्राम को फाड़ दिया और कहने लगा देखो ऐसे 20 साल के लड़के को और माता पिता के अनुमति के बिना ये दीक्षा हो ही नहीं सकता। तो मैंने समझ लिया वो बहुत जिद्दी है, वो आगे आने के लिए तैयार नहीं है, तो मैंने समझ लिया मैं अकेले तो जाना जरूरी है, इसलिए मैं बिना बोलते अजमेर चला गया। जाते टाइम पर मैंने किसी से नहीं बोला था, तो उस टाइम पर मेरा 22-23 साल उम्र था, तो मेरे को हिंदी अच्छी तरह से नहीं आती थी और मराठी भी अच्छी नहीं आती थी, कन्नड़ में पढ़े हुए थे हम। तो मैंने वहां से कोल्हापुर आया, कोल्हापुर से बंबई आया, बंबई में पूछता हूँ एक कुली को भाई आपको अजमेर जाना है, अरे भाई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप अहमदाबाद तक जा सकते हैं, तो जो कुली जहाँ पर बिठाएगा ये फास्ट है
क्या पैसेंजर है ये मालूम नहीं, जहां वहां बिठाएंगे वहां से आके हम अहमदाबाद पहुंचे, अहमदाबाद से हम अजमेर पहुंच गया। अजमेर उस टाइम पर क्या था, कोयले की गाड़ी थे, मैं एक ही जोड़ कपड़ा लेके आया था तो सब कोयले काले हो गए, तो मैं स्टेशन के बाहर आ गया और हाथ पैर धो लिया और स्टेशन के बाहर आया तो एक सज्जन को पूछता हूँ, देखो भाई यहाँ पर मंदिर कहाँ है, जैन मंदिर? तो उन्होंने बोला कि ऐसा सीधे जाओ यहाँ नशिया मिलेगा। अरे नशिया हम क्या जानते नहीं थे, तो फिर आगे गया, आगे गया तो एक बैंड बाजा आ गए, तो फिर उसके बाद घोड़े आ गए, फिर बग्घे आ गए और फिर घोड़े आ गए, फिर ऊंट आ गए, फिर बग्घे आ गए, सभी ऐसा 1 किलोमीटर तक जुलूस चलता रहता था। तो मैंने समझ लिया ये क्या है, एक महिला से पूछा, ये महिला जी ये क्या है, तो उन्होंने बोले राजस्थान में बिंदुरी निकल रही है। अरे बिंदुरी तो मैं समझता नहीं था, तो एक चबूतर के ऊपर खड़ा रहा, देखते रहा देखते रहा, मैं मन में समझ लिया कि कोई सेठ का लड़के का शादी होगा। फिर बाद में मैंने पहुंच गया, लास्ट में देखता हूं तो ब्रह्मचारी विद्याधर जी ने हाथी पर बैठे हुए थे, उनके पीछे एक पंडित जी विद्या कुमार सेठी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहने लगे थे ब्रह्मचारी विद्याधर जी को, देखो भाई बहुत सुंदर सुहाना माहौल है, बहुत सुंदर संग स्मरण आपके लिए सुनाई दे रहा है, कोई नहीं आए। तो इतने में वहां पहुंच गया तो कैसे मेरे को देखा आचार्य जी विद्याधर जी, तो मैंने अभी सांप तो देखे होंगे, तो हाथी के सामने नौजवान लड़के डांस कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, और तो उसी में मैं घुस गया और देखता हूँ मैं एक टोपी वाला एक ही आदमी था, तो तब तक विद्याधर जी ने देखे, कहने लगे अपने भाई आए हैं। चलिए बहुत सुंदर, और मैं अब और तुरंत मेरे को भी हाथी पर लगा दिए। फिर बाद में जुलूस समाप्त हुआ, गुरु महाराज के पास गया, तो तब तक खबर मिली थी क्यों महाराज महावीर जी विद्याधर जी को लेने आए क्या? हाँ जी महाराज जी, देखो वहाँ बैठे हैं, पूछो। अब मैं आमन निवेदन करता हूँ महावीर जी से कि महावीर जी आचार्य श्री के लिए श्रीफल भेंट करके अपना दीक्षा का निवेदन करें। जयकारा ज्यादा न लगाएं।